नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी कि हार पर हार और कौन जिम्मेदार। बीते रोज कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की ताजपोशी के बाद में आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भी अपनी कमान संभाल ली है। कांग्रेस हाईकमान ने हारी हुई बाजियों को आगामी चुनाव में जीतने के लिए नेतृत्व परिवर्तन का फैसला किया और जिससे किसी के चेहरे खिले तो किसी के चेहरों का रंग फीका पड़ गया है। हरीश धामी समेत कांग्रेस के कई विधायक हाईकमान के फैसले से नाराज नजर आए हैं और उनका सीधा मतलब कल प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की ताजपोशी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम समेत 11 विधायकों के नदारद होने से निकाला जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से उनके निजी कामों में व्यस्त होना बताया जा रहा है। हरीश धामी के बगावती सुर कांग्रेस हाईकमान के लिए सरदर्दी बने हुए हैं। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारियां कर रही है लेकिन अंदर खाने में चल रही नाराजगी कहीं ना कहीं काम बिगाड़ भी सकती है। कांग्रेस के सामने मजबूत विपक्ष बनने की चुनौती है और इसी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं कि जो भी आया है उसने यहां से एक दिन इस पद से विदा होना है। लेकिन मैं जिस दिन इस पद से विदा होऊंगा, मेरी पैरवी करने के लिए एक आदमी भी अगर यहां दिल्ली आएगा तो यह समझना कि जो कार्यकाल मुझे मिला, हालांकि मैं उस समय यह उम्मीद करता था कि एक पूरा कार्यकाल मुझे मिलेगा, लेकिन उस कार्यकाल के बाद मेरी पैरवी करने के लिए एक शख्स भी अगर यहां आया तो यह समझना कि मैंने कांग्रेस नहीं बनाई प्रदेश में बल्कि गणेश गोदियाल कांग्रेस बनाई। मैंने ये कहा था नहीं मनाया जाएगा, लेकिन जो एक सीमा से आगे बढ़कर अगर किसी ने कोई बात की है तो उन बातों का परीक्षण किया जाएगा। जैसी बातें आ रही है उसके बाद तय करेंगे कि कार्रवाई होगी या उनकी बातें हाईकमान के संग बैठ के उनके संग समझौता या उनको जो भी समझाना है वो किया जाएगा। हरीश धामी जी से कोशिश की है, उनसे माननीय हरीश रावत जी ने भी बात की है, प्रीतम सिंह जी ने भी बात की है और देखते हैं जो आरोप आ रहे हैं उनको भी पहले परीक्षण किया जाएगा, तभी निर्णय करेंगे कि क्या होगा। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस संगठन में फेरबदल के फैसले पर कांग्रेस में उथल पुथल नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपना अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ने वाले हैं। जहां एक तरफ हरीश धामी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो वहीं एक कांग्रेस का हिस्सा यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर नाराज है। जहां एक तरफ कांग्रेस हार को भूलकर आगामी चुनाव के लिए मजबूती की कोशिश कर रही है तो वहीं कांग्रेस में विधायकों और नेताओं के नाराजगी कांग्रेस हाईकमान के लिए टेंशन बनी हुई है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस में चल रही सुगबुगाहट पर तंज कसने का मौका मिल गया है। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, अगर आप देखेंगे कि चुनाव से दो वर्ष पहले से ही कांग्रेस बहुत ज्यादा आपस में ही उलझी हुई थी। आरोप प्रत्योप प्रत्यारोप के अलावा जो है सार्वजनिक बयानबाजी, उठा पटक, खींचतान, सिर्फ उठव्वल, ये प्रायः कांग्रेस के मंचों के दृश्य रहे हैं। तो अब ये कोई नई बात नहीं है कि जिस दिन कल यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के भव्य स्वागत समारोह के लिए बड़ा मंच और बड़ी भीड़भाड़ इकट्ठी करने की बात कही गई, उसी मंच पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अनेक नेताओं ने जो है वो इशारों में यानी इशारे भी नहीं थे, बहुत खुलकर जो है क्या बोला गणेश गोदियाल जी ने आपके समक्ष है। सफलतम कार्यक्रम रहा, अच्छा कार्यक्रम हुआ और अधिकांश विधायक उपस्थित थे। जो विधायक उपस्थित नहीं थे उनके कुछ व्यक्तिगत काम थे, उनसे फोन में भी बात हो गई थी, उनका भी स्वयं का भी फोन आ गया था कि हम अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से समारोह में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं, विधायक फिर दूसरे कार्यक्रम में रहेंगे, तीसरे कार्यक्रम में रहेंगे और क्योंकि जो अनुपस्थित विधायक थे सब ने अपना अपना संदेश भेज दिया था कि हम इस वजह से नहीं आ पाए। बहरहाल नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी में 11 विधायकों का मौजूद न होने से कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष और उपनेता तीनों ही कमान संभाल चुके हैं और कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल करने की जद्दोजहद में लगे हैं।
भले ही नाराजगी की सुगबुगाहट सियासी हलचलों को तेज कर रही है, लेकिन कांग्रेस ऑल इज वेल का दावा कर रही है। कांग्रेस के नए जिम्मेदार कैसे अपने रूठेओं को मनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, सबसे पहले लेकिन आपको हम मेहमानों से रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में आज हेमा जी जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ में हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी से हैं, नरेंद्र सेठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वीरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और भी मेहमान हमारे साथ में आगे जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, वीरेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए। वीरेंद्र जी आप बताइए, क्योंकि कांग्रेस के सामने हार पर हार है, लेकिन आखिर आपको जिम्मेदार कौन लगता है, क्योंकि आप तो पूरी कांग्रेस को कोसते हैं। देखिए, कांग्रेस का जो भी वर्तमान परिदृश्य है, इसके लिए कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं, कांग्रेस का नेतृत्व निर्माण जिम्मेदार है, वर्तमान नेतृत्व है वो जिम्मेदार है, और कांग्रेस की सारी परिस्थितियों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है निश्चित रूप से। और हम विपक्ष में बहुत लोगों की मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वीरेन जी आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ में यूकेडी की प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हेमा जी पहले से बनी हुई है। हेमा जी आम आदमी पार्टी की ओर से, हेमा जी वैसे तो मुख्य विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इस बार है, लेकिन आप तीसरे विकल्प के तौर पर है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस हारती जा रही है और आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन है, क्या वजह है, आपको लगता है कि उसको पिछाड़ कर आप आगे पहुंच पाएंगे मुख्य विपक्ष के तौर पर फिलहाल? देखिए, हमें तो अपनों ने लूटा, घरों में कहां दम था, अपनी कश्ती तो डूबी कहां जहां पानी कम था। कांग्रेस तो आजादी से पहले की पार्टी है और 70 सालों में कांग्रेस ने राज भी किया है, लेकिन क्या आज की जो स्थिति है केवल एक राज्य में सिमट कर रह गई है। अगर इसके गर्भ में जाएं तो इसके जो अपने विधायक हैं और इसके जो मंत्री हैं, सबसे ज्यादा यही लोग जो है छोड़ छोड़कर अन्य पार्टियों में जाते हैं। कांग्रेस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कोई दूसरी पार्टी नहीं है, कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस ही है। ठीक है, एक तरफ तो इनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है प्रशांत किशोर के साथ मिलकर 2024 की रणनीति बना रहे हैं, और वहीं आप उत्तराखंड की बात करें तो इनके नी वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के कार्यक्रम में 11 विधायकों की गैर मौजूदगी ये स्पष्ट इशारा करती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हरीश धामी का जो एक वीडियो वायरल जो हो रहा है आजकल की इतने वर्षों में कांग्रेस में रहना मेरी एक भूल थी और मैं आगे से चुनाव नहीं लड़ूंगा, और वही जो इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है जो प्रीतम, उनकी भी भाजपा में जाने की जो अटकलें हैं वो तेज हो रही हैं। इनके अपने ही विधायक पुष्कर सिंह धामी जी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिसको इनके जो अपने ही नेता हैं, जो इनके बड़े बड़े नेतागण हैं, उन्होंने भांप लिया है। और जब कभी क्या होता है कि जहाज डूबता है तो उसमें बैठने वाले सबसे पहले उसमें बैठने वाले सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं। उसी तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं वो अन्य पार्टी में अपना भविष्य जो है तलाश रहे हैं। ठीक है, और आम आदमी पार्टी तो सक्रियता से अपना काम कर ही रही है और विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस से ज्यादा बढ़ के आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में नजर आ रही है और हम लोग जनता की आवाज बन के सड़कों पे खड़े हैं। ठीक है, तो कांग्रेस को अपना जो अपनी डूब चुकी है अपने ही हितघात में, इनके इनके दुश्मन इनके ही अपने ही हैं। ठीक है, यानी आपको लगता है कि ये अंदर के लोग ही हैं जो कांग्रेस पार्टी को और कमजोर करते जा रहे हैं। नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ में लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। सेठी जी आपका भी स्वागत है। सेठी जी, हम देख रहे हैं कि एक तरफ अगर विधानसभा चुनावों की बात कर लें तो बुरा हाल कांग्रेस पार्टी का हो गया, लेकिन आम चुनावों की तैयारियों के लिए प्रशांत किशोर के साथ में जो मुलाकातों का दौर रविवार को शुरू हुआ, क्या लगता है कि 2 सालों में कौन सी जान डाल देंगे कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर, जो बड़ी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही अपने अंदरूनी परेशानियों से इतने ज्यादा
ज्यादा परेशान है कि क्या कुछ इनके उसमें बदलाव हो जाएगा, जो हार का जिम्मेदार है उसे कैसे हटा दिया जाएगा और क्या कुछ इसमें नया सामने आएगा। देखिए कांग्रेस का जो हाल है इस समय, कांग्रेस इस समय ऐसे दौर से गुजर रही है, कांग्रेस को खुद को मालूम है, चाहे वो चुनाव से पहले का समय हो या चुनाव नतीजों के बाद का समय हो, चुनाव ने कांग्रेस ने चुनाव के नतीजों के बाद से भी कोई सबक नहीं लिया और अभी भी उनका वही रवैया जारी है जो चुनाव से पहले था। तो अगर चुनाव में अगर कांग्रेस को अब अपने को उत्तराखंड में पुनर्स्थापित करना है और अपना खोया हुआ वजूद वापस लेके आना है, अपनी जो जमीन सरक चुकी है उसको अगर दोबारा उन्होंने स्थापित करना है, तो कांग्रेस को मूलभूत तरीके पूरे बदलाव की आवश्यकता है। और इस चीज से चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, उनको ये सोच के दिल्ली में बैठ के 10 जनपद में बैठ के वो सोचें इसका हल निकला है, ये कतई संभव नहीं है। और ये प्रयोग करने भी बंद करने पड़ेंगे कि कभी प्रभारी बदलने से और कभी अध्यक्ष हटाने से, कभी नेता प्रतिपक्ष के ऊपर विवाद होने से और कभी इस तरीके की अफवाहों से कि अब 10 विधायक छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये कांग्रेस के सामने चुनौती तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में इस प्रदेश की जनता के साथ भी कांग्रेस एक बहुत बड़ा छल करेगी कि अगर अभी तक वो इस बात का सबक नहीं लेगी कि कांग्रेस को जिस हाशिए पर लाकर प्रदेश के मतदाताओं ने रखा है और कांग्रेस इससे भी अगर सबक ना ले, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के दिन बहुत जल्दी बहुरने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन सेठी साहब आप तो सिर्फ उत्तराखंड की बात करें, अगर पूरे देश में भी बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास पूर्णकालिक अध्यक्ष तक नहीं है, उनके जो भी बड़े नेता थे वो लगातार जाते जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कांग्रेस जो है वो कैसे चुनावी खेल जीतेगी, क्योंकि सिर्फ मीटिंग्स कर लेने से बैठ कर कुछ होने नहीं वाला मुझे ऐसा लगता है अब की राजनीति में। पद का जो मोह होता है, पद का मोह एक इतना इतना घातक होता है कि अगर कांग्रेस को यह नहीं समझ आ रहा, कांग्रेस के पास ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास नेता नहीं थे या नेता नहीं है, कांग्रेस के पास एक अच्छी सोच वाले नेता हैं, लेकिन जब देखा उन नेताओं ने कि हमारी नहीं सुनी जा रही और मुख्य धारा में घूम फिर के लबोलबाब सिर्फ 10 जनपद तक की बात ठहरनी है, तो वो अपने को स्वयं को किनारे करके बैठ गए। और अब ये हालत है कि कोई भी मुख्य धारा में सामने खड़े होकर ना कोई अपनी राय देने को तैयार है कांग्रेस में, और ना कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को और ना कोई पद लेने को तैयार है, जिससे वो ये कहें कि हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और हमें सौंपिए, हम उत्तराखंड को संवार के दिखाएंगे अगर कांग्रेस अपना वजूद उत्तराखंड में खो रही है तो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ में यूकेडी की ओर से मीनाक्षी जी जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी जी आप बताइए, क्योंकि यूकेडी की अगर हम बात करें तो इस बार के चुनाव में उनका भी हाल कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने उत्तराखंड पर राज किया है, वो सत्ता में रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो फिलहाल चुनावी खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसका? इस बार पुष्कर सिंह धामी को जीत मिली, इसके साथ ही कई मिथक भी टूट गए। कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि मिथक था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार कमजोर कांग्रेस को हरा दिया क्या? आखिरकार जिम्मेदार कौन लगता है आपको? देखिए बेसिकली मैं किसी राजनीतिक दल पे आज बात नहीं करूंगी, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीतिक उठापटक आज हमारे राज्य के अंदर हो रही है ये बहुत ही नकारात्मक है। मैं आज लोकतंत्र पे बात करूंगी कि लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जो जनता अपने लिए चुनती है। बिल्कुल, लेकिन आज जनता ये सोचना पड़ेगा कि वो किस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को संसद में या विधानसभा में भेज रही है। हाँ। क्या वो अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाओं को पीछे रख के जनहित के मुद्दों के लिए आगे आ रहे हैं, क्या वो जनप्रतिनिधियों को आगे भेज रही है? लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि आज जो विपक्ष है जिसको एक मजबूत में होना चाहिए था, विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन वहां भी हम देखेंगे कि स्वार्थ के कारण सत्ता पक्ष में अपनी राजनीतिक जमीन और जिस प्रकार से आप देखिए विपक्ष मिली थी उन्हें विपक्ष का विलंब निभाना चाहिए था, लेकिन हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जो हमारे राज नेता है उनकी जो पर्सनल महत्वाकांक्षा है वो इतनी ज्यादा उन लोगों पे हावी हो चुकी है कि आज वो जनता के हित के मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। इतना टाइम आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में भी इसी प्रकार की जो राजनीतिक हमारी अस्थिरता है उत्तराखंड के अंदर वो वही से 5 सालों की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे आप 20-22 सालों को भी उठा के ले लीजिए, पूरी राजनीतिक अस्थिरता हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर रही और यही आने वाले समय में भी होने वाला है जो कि नजर आ रहा है। आज जिम्मेदार देखिए किसी आप चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए, दोनों ही दल एक दूसरे के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं,
वहां पे भी यही हाल है। जो कांग्रेस है जिसे हम मुख्य विपक्ष कहते हैं, जिसे मुद्दे उठाने चाहिए थे, विधानसभा में जनता की आवाज बनना चाहिए था, वो अपने जो उनका जो पर्सनल स्वार्थ है उसी को पूरा नहीं कर पा रहे, उसी के रहते आज उनकी जो नैतिकता की बात कभी करते थे आज उनके लिए ताक पे रख दी है, अपने जो मूल विचारधारा है उसे ताक पे रख दिया गया है। तो जो विकास का पहिया, जिसे मुझे लगता है युवा जोश की बात हुई थी हमारे उत्तराखंड राज्य में, कई युवा चेहरे चुन के भी आए थे, युवाओं को जिम्मेदारी भी दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस युवा के जो सामर्थ्य है, जिससे हमारे राज्य का जो विकास का पहिया है वो आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन जो पर्सनल इश्यूज है उसके कारण उस पर ब्रेक लग। तो मेरे मतलब मेरे लिए क्या, मैं एक आम जनता होने के स्थिति में भी ये कहूंगी कि आज उत्तराखंड की जो राजनीति है उसमें बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, और युवा जो आंख मूंद के इनके पीछे चले जा रहे हैं उन्हें भी एक तरह से स्टैंड लेना पड़ेगा और अपनी विचारधारा को क्लियर करना पड़ेगा और उत्तराखंड के जो मूलभूत समस्याओं है उन पे बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, यानी इन सब लोगों को आगे आना होगा, तभी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर काम बन पाएगा। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से वीरेन जी भी लगातार बने हुए। वीरेन जी, आपकी आवाज उसके पहले हम तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन वीरेन जी, देवभूमि में कांग्रेस मुख्य भूमिका में रहती है विपक्ष की, और अभी फिलहाल है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला जो है वो देखने को मिलता है अभी तक की बात कर ले तो। लेकिन अब कांग्रेस जिस तरह से सिमटती जा रही है, जिस तरह से वो अपनी अंदरूनी समस्याओं से इतने परेशान होते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं मनमानी तो नहीं करने लगेगी ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं अपनी हार की। तो जब मजबूत विपक्ष नहीं होता है तो सत्ता पक्ष के लोग जो है वो भी सही से काम नहीं कर पाते, इसीलिए हम चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष बने। वो सकारात्मक और रचनात्मक कार्य कर रहा है तो कोई दिक्कत सरकार को सत्ता पक्ष को नहीं होती है। दिक्कत तो होती है जब विपक्ष जो है बिना मुद्दों के रणनीति पर विचार करता है, विधानसभा नहीं करने देता, उसके पास कोई विषय नहीं रहता है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे खिलाफ नहीं, जनता के प्रति, जनता ने हमको मैंडेट दिया है, एक तरफा जनता ने समर्थन दिया है, हम उसका संविधान हम कोई मनमानी नहीं करने जा रहे हैं। जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, जो जनता के लिए बेहतर होगा उसमें विपक्ष भी है, मुश्किलें करेंगे और करते रहेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। हम लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं उनको तेज गति से चलाने का काम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो उन्होंने काम शुरू किया है, जो उनका विजन है इस राज्य को चलाने का, उस विजन को हम जनता तक पहुंचाएंगे। विपक्ष तो सिर्फ अपने काम अपने नेतृत्व तो विहीन होने के कारण, उनका नेतृत्व दिन भर भी है एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी का जो है, जिस दिन उन्होंने चार सभाएं, दस महिला विधायक उनके नदारत थे, पहले दिन के लीडर को अपोजिशन ने चार महिला तो दस विधायक जो है आउट हो गए हैं। तो ये सारी जो परिस्थिति आप देख रही है राज्य में, ये कांग्रेस अपने लिए ही मुसीबत खड़ी करती है। कांग्रेस आज जो इस स्थिति में आ गई है, वो स्थिति के लिए कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के जो धड़े हैं, कांग्रेस के जो आदमी है, वही उसका कारण है। तो विपक्ष एकजुट नहीं है, विपक्ष को राजनीति में अच्छे अच्छा विकास ठीक है ठीक है ठीक है वीरेन जी, करते हैं हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जनता ने पार्टी को सत्ता में स्थान दिया है, सारे मुद्दों पर काम करेंगे और राज्य के हित में काम करेंगे, राज्य की अनदेखी नहीं करेंगे, ना ही विपक्ष की अनदेखी करेंगे, चाहे विपक्ष की संख्या कुछ भी हो। पिछली बार उनकी संख्या 9, 10, 11 थी, लेकिन हमने कहीं भी उनको जो है उनका अपमान नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, लेकिन वो विपक्ष के भूमिका में, महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं रह पाए, तो ये उनका विजन है, उनका कारण है, उनका नेतृत्व है। हम राज्य की जनता के प्रति समर्पित हैं, राज्य के लिए हमारी जवाबदेही है, हम बेहतर राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी का जो उत्तराखंड राज्य के प्रति जो विश्वास है, जो उनका लगाव है, उसको हम बनाए रखेंगे और हम ठीक है नरेंद्र जी के ठीक है वीरेन जी, नरेंद्र जी के पास चलते। नरेंद्र जी आप बताइए, फिलहाल कांग्रेस के लिए अगर उत्तराखंड में हम देख लें तो बड़ी समस्या क्या है, अंदरूनी कलह को मिटा पाना या फिर जो नेतृत्व में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है ये लोग ठीक से काम कर पाएंगे, असल समस्या क्या है उत्तराखंड में कांग्रेस की कमजोरी की, आपको क्या लगता है? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं,
लोकतांत्रिक जीवन पार्टी में बहुआयामी व्यक्तित्व के नरेंद्र जी आप तक आवाज आ रही हमारी लोग हैं, इसलिए दूसरे लोगों को लगता है लोकतंत्र में अपनी भावना को व्यक्त करना नमस्कार आप मेरे से कह रहे हैं आप मुझसे कह रहे हैं जी नरेंद्र जी आप आपसे मेरा सवाल है कि आखिर आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस की जो कमजोरी है ये अंदरूनी कलह इसकी जिम्मेदार है या फिर ठीक लोगों को जिम्मेदारी न दे पाना इसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस का जो अंदरूनी झगड़ा है वो तो सर्वविदित है बिल्कुल, और कांग्रेस के झगड़े की वजह से ही जो कांग्रेस के झगड़े का ही नतीजा था जिस वजह से कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी जो अपनी कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं उसके बाधा उत्पन्न होती है। कांग्रेस का अगर अंदरूनी कलह समाप्त हो तो मुझे लगता है अब जो विकास के राह पर प्रगति पर और अग्रसर होगा, क्योंकि कांग्रेस के सामने चाहे चुनाव से पहले था या चुनाव के बाद था कांग्रेस ने अपनी कभी भी गुटबाजी अपनी कलह खत्म नहीं की, और उसका नतीजा ये रहा कि सत्ता में आने का जो उनका सपना था वो सपने से वो चूक गए और वो केवल 19 तक सिमट कर रह गए, जबकि सारे विश्लेषक और जो उम्मीद थी ये जतलाई जा रही थी कि बराबर की कुछ टक्कर रहेगी और कुछ दो चार विधायक कम पड़ेंगे तो उसको देख लिया जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो सारा खामियाजा भुगतना पड़ा वो चाहे वो हरीश रावत हो चाहे प्रीतम सिंह हो चाहे उनके गुट के किशोर उपाध्याय रहे हो जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और ये सारा इनको बैठकर मंथन करना पड़ेगा अगर वाकई ही कांग्रेस को अपने को दोबारा से स्थापित करना है उत्तराखंड में तो उनको इस अपनी बीमारी से निजात दिलानी पड़ेगी, अन्यथा कांग्रेस हाशिए पर आ जाएगी और कांग्रेस की स्थिति मुझे लगता है जो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थिति हुई है वही कांग्रेस की स्थिति होने जा रही है। बिल्कुल, यानी पूरी जो है वो रणनीति में बदलाव करना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ चीजें हो पाएंगी। सुरेंद्र अग्रवाल जी अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है आज की हमारी इस चर्चा में। कांग्रेस को लेकर ही आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर हार पर हार कौन जिम्मेदार, हम जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या पक्ष है, आपको क्या लगता है कि आपके हार का जिम्मेदार आखिर कौन है? सुरेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? सुरेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही है। जी सुरेंद्र जी तक हमारी आवाज पहुंच भी नहीं पा रही है। तो देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी जो अब तक मुख्य विपक्ष की भूमिका में रही है आखिर उसकी ये हालत क्यों होती जा रही है, और सबसे बड़ी बात कि क्या कांग्रेस पार्टी इस पर आत्ममंथन जो है वो शुरू कर पाई है? मीनाक्षी जी आप बताइए आपको क्या लगता है अभी, क्योंकि यूकेडी का भी जो हाल हुआ वो किसी से छिपा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का अब ये हाल जो है कौन जिम्मेदार आपको लगता है? आप बताइए कि क्या ये लोग ठीक लोगों को जिम्मेदारी नहीं दे रहे इसी के चलते इतना पिछड़ रहे हैं? देखिए ठीक लोग क्या होते हैं, मेरे हिसाब से ठीक लोग तो हर एक दल में हो सकते हैं और खराब लोग हर एक दल में हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक अगर हम बात करें कांग्रेस की कलह की तो ये कलह जो है हर हर दल के अंदर है, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या क्षेत्रीय दल भी हो, तो ये इंटरनल जो चलता है वो हर पार्टी में चलता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी में जो अगर इंटरनल कलह होता भी है तो उसे कहीं ना कहीं वो टॉप लेवल से सुलझा दिया जाता है। बिल्कुल, कांग्रेस में हम लोग देख रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में नहीं है तो यहाँ पे हर कोई जो मैं एक बार फिर वही पर्सनल महत्वाकांक्षा की बात करूंगी कि हर कोई चाह रहा है कि उन्हें एक मुख्य पद पे आने का मौका मिल जाए जिससे कि उसका पर्सनल हित वो साध ले, क्योंकि यहाँ पे अभी इश्यू जो है वो जनता के मुद्दों को लेके नहीं है, यहाँ पे अपना पर्सनल स्वार्थ सबसे पहले आगे आ रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि जिस प्रकार से आज लोकतंत्र की या राजनीति की जो स्थिति आज हो गई है भारत के अंदर, क्योंकि बीजेपी ने भी एक बहुत गलत चलन जो शुरू किया है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस या किसी भी अन्य दल के लोगों को अपने दलों में लेके आती है। अगर हम बात
करें कि बीजेपी के अंदर आपको आधे से ज्यादा कांग्रेसी मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस को खत्म ही इस प्रकार किया गया है कि कांग्रेस के लोगों को उठा के बीजेपी के अंदर ला दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यही तो मेरा सवाल है ना मीनाक्षी, कि अगर यही लोग जब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, जनता को पसंद आते हैं, तो आखिर कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या है? यानी कांग्रेस पार्टी इन काबिल लोगों को जिम्मेदारी नहीं दे पा रही है, इसी के चलते जनता नहीं समझ पा रही है, वरना बीजेपी के पास कोई वॉशिंग मशीन थोड़ी ना कि यही लोग वहां जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं और कांग्रेस में रहते हैं तो ठीक नहीं है, पसंद नहीं आते जनता को। यही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन नहीं है कि वो लोग अच्छे हो जाते हैं, बल्कि बीजेपी के पास सत्ता है, पावर है, और यहाँ पे जो भी जिस प्रकार के कार्य वो लोग करना चाहते हैं वो यहाँ पे इजीली करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अन्य दलों के जो लोग हैं, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जो राजनीतिक जमीन है वो सत्ता में पार्टी है वहां पे तलाशते नजर आते हैं। तो यहाँ पे बात सिर्फ अच्छे लोगों को पावर देने की नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखिए, अगर किसी को गणेश गोदियाल जी को एक प्रदेश अध्यक्ष की वहां पे जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने वहां पे अपना इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन आज यदि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं मिलती है, या मदन मिश्र जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं मिलती है, आप विधायक बन के तो आए ना, आप अपनी विधायक वाली जो जिम्मेदारी है, विपक्ष वाली जो जिम्मेदारी है उसको निभा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पर्सनल महत्वाकांक्षा है वो इन सब चीजों पे हावी है। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी जी, की यानी व्यक्तिगत हित जो है वो नेता सोचने लगते हैं, इसी के चलते यहाँ पर ठीक तरह से काम नहीं हो पाता। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर हार पर हार का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी में कौन है, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मचाएगा, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन, कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता, 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल, टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हार पर हार और आखिर कौन जिम्मेदार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ यही हो रहा है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में कई मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। वापस चलते अपने मेहमानों के पास में। नरेंद्र जी, आपने सुना यहाँ पर सभी को ये लगता है कि आखिर ये लोग जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, इसी के चलते आज जो है कांग्रेस पार्टी इतना पिछड़ रही है। देखिये, हम आज इस मुद्दे पर बात इसलिए कर रहे हैं नरेंद्र जी क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है और मुख्य विपक्ष की भूमिका में न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में फिलहाल कांग्रेस पार्टी नजर आती है। और जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत की बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई, आज अपने ही कामों की वजह से कांग्रेस राज्य दर राज्य सिमटती जा रही है। उत्तराखंड में आखिर कहां कमी रह जा रही है? अभी करण महाराज जी को नई जिम्मेदारी सौंपी है, लगता है ये संभाल पाएंगे? क्या जान डाल पाएंगे बुझती हुई कांग्रेस में करण महाराज? देखिए, करण महाराज एक बहुत मजे राजनेता है और बहुत ऊर्जावान है, लेकिन जो माहौल कांग्रेस का है उस माहौल के अंदर वो भी जो पहले पूर्ववर्ती उनके नेताओं का हाल हुआ, मुझे लगता है वो वहीं तक सिमट के ना रह जाए जब तक कि पूरा का पूरा माहौल कांग्रेस का ठीक नहीं होगा। आप ये देखिए कि कहीं पे भी जहां बहुत ज्यादा झगड़ा फसाद ऐसा रहता है वहां लोग जाना पसंद नहीं करते। तो ये एक दल है इनका, इनको सीख लेनी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि इनके 11 विधायक थे तो उससे ये 19 हो गए, तो ये इसी इसी बात को बुराने में लग जाए कि हम
11 से 19 पे आ गए हैं, तो जो जिस दल ने पूरे 5 साल का कार्यकाल नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में दिया हो इस प्रदेश को, तो आप खुद सोच सकते हैं इस बात को कि वो दल आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो और सत्ता में आने के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, तो उसके लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। और अगर कांग्रेस आज भी चाहे तो कांग्रेस आज भी पुनर्जीवित हो सकती है, सिर्फ जरूरत है तो किस चीज की है कि हरीश रावत को, प्रीतम सिंह को, गणेश गोदियाल को और इनके साथ जितने और जो लोग जुड़े हुए हैं, जितने नेता जुड़े हैं, जितने महत्वाकांक्षी हैं, रंजीत रावत हो चाहे, वो सबको एक मंच पे एक कमरे में बैठकर अपने मन मुटाव दूर करके ये सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने दोबारा अपनी प्रतिद्वंदता के तहत हमने उनके साथ कैसे मुकाबला करना है। अन्यथा इनकी लड़ाई अगर इसी तरीके की जारी रही तो भाजपा इसका और भी फायदा उठाएगी और बाकी तो सब है ही है तमाशबीन देखने वाले। और बिल्कुल बिल्कुल सेठी साहब, आपने बड़ी अहम लेकिन बड़ी सामान्य बात कही। मैं आज यही कहूंगी कि बड़ी सामान्य सी बात है कि यही वो बड़े गुट हैं जो अपने आप को वैसे तो मजबूत करना चाहते हैं लेकिन एक पार्टी के तौर पर ये एक साथ नहीं आ पा रहे, इसी के चलते कांग्रेस बिखरती चली जा रही है। देखिए ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं हुआ है, अगर कहीं पर आग नहीं लगी है तो धुआं तो नहीं उठेगा ना, कुछ तो कुछ होता है। अब आज की बैठक की हम बात कर लें, यहाँ पर 11 विधायकों की गैर मौजूदगी में जो चीजें हुई ये काफी कुछ कह रही हैं। कांग्रेस से सुरेंद्र अग्रवाल जी एक बार फिर से जुड़ रहे। सुरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? ये आ रही है, धन्यवाद जी। सुरेंद्र जी आप सबको नमस्कार। जी नमस्कार आपको। लेकिन सुरेंद्र जी आज हम कांग्रेस पर ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो हार पर हार हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है, आप बताइए। मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष जानना चाहती हूँ। देखिए निश्चित रूप से एक ऐसा झूठ फैलाया गया है, वो झूठ के कारण तमाम ये सब हुआ है, ऐसा माहौल खराब किया गया। और निश्चित रूप से केंद्र में बैठी हुई भाजपा के पास अपना बताने को कुछ नहीं है। अगर अपने को बताना होता, कुछ 5 वर्ष का काम होता तो 3-3 मुख्यमंत्री नहीं बदलते। कांग्रेस पार्टी जीवंत लोकतांत्रिक पार्टी है, बहुआयामी व्यक्तित्व के कई धाराओं को साथ लेकर चलने की क्षमता भाजपा में नहीं है, वो कांग्रेस में है। और कांग्रेस निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते तमाम आपको मतभेद दिखते हैं। हम अपनी भावनाओं को कांग्रेस के अधिकतर लोग खुले मन से बहुत लोकतांत्रिक ढंग से व्यक्त करते हैं और जब सही मौका आता है तो सब एकजुट भी दिखते हैं। देखिए अग्रवाल साहब समस्या तो है, ये बात तो मानती है ना कांग्रेस पार्टी, या फिर मानती ही नहीं, इसी के चलते ये हालत होती जा रही है। सबसे पहले तो ये क्लियर करना होगा ना कि आपको लगता है समस्या है। निश्चित रूप से आपको ये गुटबाजी दिख रही है और ये गुटबाजी नहीं है, ये विभिन्न धाराओं को साथ देकर समन्वय बनाकर सामंजस्य बनाकर चलने की क्षमता है। तो वो क्षमता क्यों नहीं रही? बात तो यही है कि आप अपनी पार्टी को एक करके नहीं चल पा रहे हैं, देश को कैसे एक करके चल पाएंगे? निश्चित रूप से जो सामने बैठे हुए लोग हैं, जो भाजपा है केंद्र सरकार में बैठी भी है, उसके अंतर विरोध आपको इसके नहीं दिखते कि वहाँ ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पुलिस अरे है। आप ये सब तो बात की बातें हो गई ना, ये सब तो बात की बातें हो गई, ये सब तो आपस में जब लड़ाई होगी हम तब इस पर बात करेंगे ना। ठीक है, अगर ये करते तो हम इस पर भी डिबेट करते, लेकिन बात तो यहाँ पर सुरेंद्र जी है ना कि आखिर आपकी पार्टी क्यों मजबूत नहीं है, क्यों आपके पास गणेश गोदियाल अलग है, हरीश रावत अलग है, प्रीतम सिंह अलग है, ये सारे अलग अलग नाम क्यों लिए जाते हैं? मुझे देंगे आप? मैंने कहा राज्य की जनता ने देखा है कि भाजपा के 3-3 मुख्यमंत्री बदले हैं 3 माह के अंदर। फिर भी राज्य की जनता ने पुष्कर सिंह धामी को ही राज्य, लेकिन फिर भी सुरेंद्र जी लेकिन फिर भी राज्य की जनता ने बीजेपी को ही अपना मैंडेट दिया ना, तो सवाल तो ये खड़ा होता है और आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इस सवाल पर मंथन करने की कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। एक झूठ के गर्भ से आएगी सरकार है भाजपा की, जो झूठ फैलाया गया, जो धार्मिक उन्माद फैलाया गया, झूठा आडंबर रचा गया, ये उसका नतीजा है। तो आप अगर वो झूठ फैला रहे हैं, आप अपना सच क्यों नहीं फैला रहे? देखिए ये आप यहाँ पर भी बीजेपी पर ही वार करते जा रहे हैं, ये वार आप करिएगा लेकिन ये राजनीतिक बहस जब हो तब करिएगा। हम अभी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लेकर ही बहस कर रहे हैं। नरेंद्र जी आप कुछ कह रहे हैं, आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, मुझे लगता सबसे बड़ी समस्या सेठी साहब यही है कि इनको लगता ही नहीं है कि कोई समस्या है।
आप बीजेपी पर आज हमला मत बोलिए, मैं आपका पक्ष जानना चाहती हूँ, आपकी अपनी पार्टी को लेकर कि आपको कहाँ लगता है कि कमी है, क्यों आप हार रहे हैं ये बताइए प्लीज। आप चुनाव के नतीजे पे बात करना चाह रही हैं, तो चुनाव के नतीजे पे ये बात कर रही हैं, तो जो माहौल जो वातावरण बनाया गया है, जो झूठ फैलाया गया है, हाँ। वो स्पष्ट करना भी आवश्यक है मैडम। मैं इसलिए वो वास्तविकता आपके सामने ला रहा हूँ। जहाँ तक हमारे अंतर विरोध है, हमारे से अधिक अंतर विरोध तो भाजपा में है। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा था, आपने कहा कि मेरी बात को रोक रहे हैं, मैं सिर्फ ये जानना, मैं सुरेंद्र जी ये जानना चाह रहा था, देखिए बड़े मैं बड़ी सहजता से पूछना चाहता हूं आपसे एक बात को, अगर आपके यहाँ कोई अंतर विरोध नहीं है, गुटबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मान लिया इस बात को, तो ये जो एक बयान देना, हम लोकतांत्रिक पार्टी है, हम लोकतांत्रिक पार्टी है, वहां तो दम घुटता रहता है भाजपा नेताओं का। मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये गुटबाजी नहीं है या कोई लड़ाई नहीं है, तो ये कौन सा भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी है जो लगातार आपके नेता करने में लगे हुए हैं। मैंने कहा ना, हम तो लोकतांत्रिक जीवन पार्टी है, हमारे यहाँ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आजादी है, भाजपा में तो दम घुट रहा है, लोगों का दम घुटता रहता है। अरे फिर भी लोग आपकी पार्टी के भाजपा में जा रहे हैं, क्यों दम घुटने के लिए जाते हैं? झंडे फाड़े जाते हैं भाजपा के, वहाँ पे भी ये सब कुछ है, सब कुछ वहाँ पर भी होता है, पर निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी ज्यादा दिखती है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक पार्टी है, पर हमारे यहाँ वीरेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ पर सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि दम घुटता है लोगों का बीजेपी में, लेकिन मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि फिर भी क्यों जाते हैं बीजेपी में? कांग्रेस पार्टी के तो कितने सारे बड़े नाम है जो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें। वीरेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। सुरेंद्र जी जो है पत्रकार भी है, वकील भी है, और कांग्रेस के बड़े नेता भी है। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि लीडर और अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष जो सेल के लीडर है, वो अपने कार्यालय में अपनी प्रतिष्ठा कर रहा है, और उसने जो है 10-11 विधायक, और कांग्रेस का नेता जिस दिन अपनी शपथ ले रहा होता है, अपनी प्रतिष्ठा कर रहा होता है, उस दिन कांग्रेस के 10-11 नेता विधायक अनुपस्थित रहते हैं, तो क्या इसके पीछे भी बीजेपी कारण है क्या? भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, अगर भारतीय जनता पार्टी में लोगों का दम घुट रहा होता है, तो कांग्रेस के नेता लगातार नहीं आते। और देखिए कितनी बड़ी बात है, इनके निर्वाचित विधायक कहते हैं कि मेरा कांग्रेस में दम घुट रहा है, मेरे कांग्रेस में रहने का मन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट छोड़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहता हूँ। इतना खुल्लम खुल्ला इनके नेता अपना व्यक्तित्व दे रहे हैं, तो ये जीवंत लोकतंत्र है, इनको मुबारक हो। जीवंत लोकतंत्र के सारे आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आगे बढ़े अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी अपने जो है चिंतन नहीं करेंगे, आत्ममंथन नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। सुरेंद्र भाई, हमारी तो आपके लिए शुभकामनाएं हैं, और आप भी आगे बढ़े ऐसा करते, लेकिन विचारों से आप आगे बढ़ने वाले नहीं है, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसको ठीक करिए, और एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़े रहिए, जनता भी सम्मान करेगी और जनता भी आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। ठीक है, यानी जनता पर विश्वास तो करना होगा, लेकिन साथ ही साथ पार्टी को भी कुछ मजबूती से काम करने होंगे, तभी पार्टी का भला हो पाएगा। हेमा भंडारी जी भी आप सुन रही थी, सुरेंद्र जी को लगता है कि भाजपा एक झूठ फैला रही है, क्या आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी भी इस तरह की बातें करेगी, या फिर विपक्ष मजबूत विपक्ष बनेगी उत्तराखंड में? देखिए, वो मैं सुरेंद्र भाई से बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि ये कह रहे हैं कि विपक्ष झूठ फैल, मतलब ये दूसरी पार्टी झूठ फैला रही है, भाजपा झूठ फैला रही है, लेकिन भाजपा झूठ को, जब कोई भी बात होती है, अगर कोई भी कलह होती है, तो वो पार्टी फॉर्म में रखी जाती है। अगर किसी परिवार में झगड़ा होता है तो वो परिवार सीमित रहता है, अगर वो झगड़ा बाहर चला जाता है तो बाहर के लोग तो फायदा उठाएंगे,
अब अगर ये अपनी कलह को इनके नेताओं को एकजुट होके एक मंच पे आना चाहिए, अगर ये अपनी कलह को नहीं सुधारते हैं तो इसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी लेगी और उठा भी रही है। जहां पर ये बड़ी विडंबना है हमारे प्रदेश की, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि विधानसभा में हमारी जो जनता के मुद्दों को उठाने की इनको प्रमुखता से रखना चाहिए था, वो आपस में ही उलझे पड़े हैं। तो आज जो है कौन जनता के मुद्दों को रखेगा, हम लोग तो है नहीं अभी विपक्ष में, तो कांग्रेस बैठी थी, लेकिन हमारा जो जनता का विश्वास है कि हाँ एक विपक्ष के रूप में हमारी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी, हमारी बातों को विधानसभा में रखा जाएगा। लेकिन हम तो ना ये कांग्रेस जो है ना तो सड़क पे दिखाई दी, ना सदन तक दिखाई दी, पहले भी नहीं दिखाई दी, अब भी नहीं दिखाई दे रही है। तो इनकी हाँ इनकी महत्वाकांक्षाएं आगे आ रही हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हो रही हैं इनके नेताओं की। तो ये आपसी कलह को बैठ कर सुलह नहीं करेंगे तो ये तो हो गई। और दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करना, इनको अपनी कमियां सुधारनी है। अभी इन पे यहाँ पर हम लोग आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, इस समय तो कांग्रेस की बात चल रही है कि ये जो कमजोर होती जा रही है, जो हाशिए पे है वो क्यों है, इसको इनको समझना होगा, बिल्कुल दूर करना होगा, बिल्कुल, तभी सारी चीजें जो है वो सामान्य हो पाएंगी। यूकेडी से मीनाक्षी जी भी है, मीनाक्षी जी आप कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे, कई बार बोला कि ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है जी। तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि लोकतंत्र बचा ही कहाँ है, जिस प्रकार की खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है वहां पे तो लोकतंत्र है ही नहीं, राजतंत्र है। और अब बात करिए कि हरीश धामी जी जब जीत के आते हैं कांग्रेस की टिकट पे, तो जब जनता ने उनको जिताया है तो कहीं ना कहीं एक विचारधारा को ध्यान में रख के जिताया है। आज वो बात कर रहे हैं कि मैं हरीश धामी पुष्कर धामी जी के लिए सीट छोड़ दूंगा और मैं भाजपा में जाना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप बताइए कि वो विचारधारा की, जिस विचारधारा की जो बात कभी हुआ करती थी, आज वो कहाँ रह गई है, इन दलों में वो चीजें कहाँ रह गई हैं। एक्चुअली समस्या यही है कि समय के साथ जो अपना चाल चरित्र कांग्रेस ने बदला, वहां पे इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर अपने अपने जो नैतिकता की जो बातें करती थी या जिन मुद्दों की ये बात करती थी, जिस विचारधारा की ये बात करती थी, यदि उसी पे कांग्रेस चल रही होती तो आज स्थिति कांग्रेस की ऐसी नहीं होती। आज जनता ने भी कांग्रेस को सिर्फ इसीलिए नकारा है क्योंकि जनता जिसे विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी वो मित्र विपक्ष की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है अभी। हालांकि जनता के सामने एक मजबूती से सिर्फ दो ही पार्टियां नजर आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं 21 साल से जो इन राष्ट्रीय दलों का जो चल रही है यहाँ पे प्लानिंग, जो खेल चल रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जनता समझ रही है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जो ताकतें हैं उनको मजबूत करना होगा और क्षेत्र की ही बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इनको क्षेत्र की बातें करनी होगी। नरेंद्र सेठी जी, आपने सुना अभी सुरेंद्र साहब को, सुरेंद्र साहब ने बड़ी बातें कही, उन्होंने एक सामान्य राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पर बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। जितने भी प्रवक्ता जुड़ते हैं, मैं अलग अलग डिबेट्स करती हूँ उत्तराखंड के अलग अलग मुद्दों पर, कभी भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की बात अगर करूं तो ये अपनी समस्या पर बात नहीं करते, इनसे कुछ भी कहो तो ये सीधा और सीधा बीजेपी पर ही हमला बोलते हैं। आज सुरेंद्र जी ने भी वैसा ही किया। ठीक है, राजनीतिक प्रवक्ताओं का ये काम है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, लेकिन सबसे पहले नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के बारे में मंथन विचार विमर्श होना चाहिए? क्या शीर्ष नेतृत्व भी यही कर रहा है? प्रवक्ताओं से तो प्रवक्ता तो सिर्फ पार्टी की बात पहुंचाते हैं हम तक, क्या आपको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व में भी यही कमी रहेगी कि उनको लगता ही नहीं है कि कोई समस्या है? क्योंकि यही प्रशांत किशोर जो अभी दो सालों में कांग्रेस पार्टी में जान डालने की बात कर रहे हैं, 6 महीने पहले मुझे याद है इनका एक बयान सामने आता जहां पर उन्होंने कहा था कि सोचना होगा, कुछ करना होगा, ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी को सिर्फ लगता है कि जनता जो है वो उखाड़ फेंकेगी बीजेपी को, लेकिन वो करते इसके लिए कुछ नहीं है। ये बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई और अब वो कह रहे हैं कि हम 2 सालों में बिल्कुल जीत का प्लान बता देंगे कांग्रेस पार्टी को। तो क्या लगता है, पहले सबसे पहले कांग्रेस पार्टी मंथन करे, समझे कि समस्या क्या है, कमी कहाँ है? अनम्यूट कर लें। कांग्रेस कोई नई पार्टी नहीं है जिसको कि कुछ सिखाया जाए कि उनको किस तरीके से राज्य में शासन करना है या किस तरीके से विपक्ष की भूमिका में रहना है। कांग्रेस को बखूबी मालूम है कि किस तरीके से सरकार चलानी है। और जहां तक इनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सवाल है, वो तो पूरी तरीके से यहाँ के सरोकारों से जुड़े हुए थे, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, खान पान, वो समय समय पर
पूरी तरीके से प्रबोधित करते थे, जागृत करते रहते थे यहाँ की जनता को भी, यहाँ की आवाम को भी। और सुरेंद्र जी जो हैं, सुरेंद्र जी कोई सिर्फ इस समय प्रवक्ता नहीं है, कोई साधारण नेता नहीं है, मुख्य सलाहकार रहे हैं मुख्यमंत्री जी के, और मीडिया एडवाइजर रहे हैं और चीफ मीडिया एडवाइजर रहे हैं, और आज की डेट में भी अच्छा वजूद रखते हैं। और वो भी अगर निष्पक्षता से अगर अपनी बात ना रख पाए तो फिर मुझे लगता है कि वो राजनीतिक प्रवक्ता के रूप में तो बैठे ही बैठे हैं, लेकिन वो एक दल विशेष के प्रवक्ता में बैठे हैं जो जनता के सरोकारों से जुड़ी हुई बातें हैं उनको कहने में वो भी हिचकिचा रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड में चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कलियर शरीफ है, हेमकुंड साहब है, और फूलों की घाटी है, और इसके अलावा यहाँ पे ओली स्कीइंग सेंटर है जो वर्ल्ड फेमस है। तो पूरे पूरे देश की जनता, हर राज्य की जनता उत्तराखंड को बहुत विश्वास के साथ और बड़ी आस के साथ देखती है कि हम वहां पे कभी ना कभी जीवन काल में अपने एक बार धर्माटन के लिए जाएं या हम पर्यटन के लिए जाएं। और अगर इस तरीके का माहौल यहाँ की राजनीतिक दल, अब जैसे भूमिका जो निभानी चाहिए कांग्रेस को, कांग्रेस नहीं आई अपनी संख्या बल में उतने नहीं आ पाई कि वो सत्ता में आ सके, तो उनको एक सजग विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। उस भूमिका में ये जरूरी नहीं है, उस भूमिका की ये मापदंड नहीं है कि आप हर समय सत्ता पक्ष का विरोध करेंगे तो ही आप विपक्षी दल कहलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप रचनात्मक तरीके से कुछ प्रस्तुत करिए कि कहां पे पहाड़ों में सड़कें नहीं है, पगडंडियां नहीं है, वहां दुर्गम क्षेत्रों में कोई रोपवे का इस्तेमाल हो सकता है, कोई आपने कोई सुझाव पत्र दिया हो मुख्यमंत्री को, आपने कोई सुझाव पत्र राज्यपाल के माध्यम से दिया हो यहाँ के पर्यटन मंत्री को, तब तो समझ आती है। आपने कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ आपने अगर राजपुर रोड की सड़कों पे या आपने धरना स्थल पे जाकर शोर मचाना है, प्रेस विज्ञप्तियां देनी है, तो ये भूमिका मुझे, मेरी समझ से बाहर है। ऐसा तो आपको केरल में, बेंगलोर में, आंध्रा में या आपको चंडीगढ़ में भी नहीं मिलेगा, जहां साक्षरता दर जो है वो उत्तराखंड की साक्षरता दर के ही सापेक्ष लगभग है या थोड़ी ज्यादा है। और अगर यहाँ पे कोई युवा या कोई पर्यटक आएंगे तो वो क्या सोचकर आएंगे? वो राजनीतिक अस्थिरता जो होती है या राजनीतिक जो ऐसा वातावरण होता है, आप कभी मुझे ये बताइए, क्या आप अगर छुट्टियां बिताने जाएंगे तो क्या आप मुजफ्फरनगर में जाएंगे या आप अलीगढ़ में जाएंगे? कभी भी नहीं चुनेंगे। आप चुनेंगे या तो आप चुनेंगे शिमला को चुनेंगे या गोवा को चुनेंगे, और आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि वहां पे इस तरीके की राजनीतिक शोर शराबा है जिससे कि वहां पे पर्यटक जाने में भी परहेज करे। तो हमें उस तरीके का वातावरण सृजित करके देने में ही अगर हमारे पास समय नहीं है, और जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कांग्रेस की, वो एक सृजनात्मक यहाँ पे पूरा ढांचा दे जिससे कि सरकार को भी बल मिले कि हमारे साथ, हम सिर्फ 47 की संख्या में नहीं है, जो शेष 23 हैं वो भी हमें पूरी मदद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विकास की गाड़ी और एक स्वर्णिम उत्तराखंड बनने में इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जी बिल्कुल, यानी कुछ अहम चीजों पर ध्यान देना होगा। सुरेंद्र जी आप एक बार फिर से जोड़ चुके, सुरेंद्र जी आवाज आ रही है आप तक हमारी? सुरेंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही है? तो सुरेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए समस्या यही है कि आखिर क्या कुछ वजह है जो ये कमजोर होती जा रही है और जिम्मेदार कौन है? वीरेन जी भी लगातार बने हुए हैं। वीरेन जी अभी आपने सुना है यहाँ पर नरेंद्र सेठी जी कई अहम बातें यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि देखिए राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कुछ भी कहें आप एक दूसरे पर वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर लोकतंत्र की हम बात करते हैं, लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, तो ऐसे में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के मजबूत होने की भी हम बात जरूर करेंगे। दल ही है जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी इकाई कहलाते हैं, जो मजबूती कहलाते हैं, और ये दल ही अगर कमजोर हो जाएंगे तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? आप बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस जो है वो कम पड़ती जा रही है, अलग अलग राज्यों में राज्य दर राज्य सिमटती जा रही है। आपको सबसे बड़ी कमी, इसके पहले भी आपने यही कहा कि काम ठीक से नहीं करते ये लोग, जिम्मेदारियां नहीं सौंपते, लेकिन और क्या कमियां रह गई उत्तराखंड में कि इस बार ये 19 पर सिमट कर रह गए? और सबसे बड़ी बात, 19 पर सिमटे तो सिमटे, चुनाव नतीजे आने के बाद भी कांग्रेस की सिर्फ परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी है जो मानने को तैयार ही नहीं है कि परेशानी है, अभी भी इनके जो विधायकों की गुटबाजी चल रही है वो अलग चल रही है। देखिए कांग्रेस के अंदर दिक्कत ये है कि उनके प्रदेशों के छत्रप हैं। हाँ। वो छत्रप जो है एक दूसरे के खिलाफ, जितना भी उनका अंतर्द्वंद है, अंतर्द्वेष है, वो सार्वजनिक रूप से झलकता है। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके जो प्रदेश के जो प्रभारी है, वो
वो जल्दी से कोई फैसला नहीं लेते हैं और ना ही किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और ना ही प्रदेश का नेतृत्व इनके साथ बैठकर कोई समन्वय स्थापित करने का काम करता है। आप देखिए कि एक हफ्ता होने वाला है प्रदेश अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन की घोषणा के होने के बाद अभी तक इनके केंद्र के कोई पर्यवेक्षक नहीं आया, केंद्र से कोई लीडर नहीं आया जो इनको समझा सके, जिनकी बातें मान सके। और कितनी बड़ी अनुशासनहीनता है कि प्रदेश अध्यक्ष अपना शपथ ग्रहण कर रहे हैं, कांग्रेस भवन जो उनका मुख्य भवन है वहां चार्ज लेकर लेने जा रहे हैं, वहां दूसरे इनके विधायक नहीं आ रहे, मतलब इलेक्टेड जो एमएलए हैं जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए हैं वो नहीं आए। फिर सबसे बड़ी बात देखें कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो हाउस ऑफ लीडर इनका है उसका आज जो है वो था कार्यालय का जो उन्होंने भार संभाला है उनके एमएलए नहीं आए, तो इस पर वो बात नहीं कर रहे कि भाई कैसे उनको समा आज इतने दिन हो गए, क्या अपने विधायकों को बैठाकर क्या हरीश रावत जी खेमे के अधिकतर लोग हैं तो क्या हरीश रावत जी उनके साथ समन्वय स्थापित करके मुख्य धारा में जोड़कर नहीं ला सकते थे, क्या केंद्र से कोई बड़े नेता को नहीं आना चाहिए था। हालांकि हमें इसमें बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब आप हमको पूछ रही है कि कैसे कांग्रेस की स्थिति जो खराब हुई है कैसे कांग्रेस को ठीक कर सकती है, ये कांग्रेस का अनूठे मामला है, लेकिन हम प्रांत में रहते हैं, ये प्रदेश हमारा है, या विपक्ष है चाहे यूके की है चाहे आम आदमी पार्टी है चाहे दूसरे दल है कांग्रेस है, हम चाहते हैं कि सब सबल हो, मजबूत हो, जिन क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं वो आगे बढ़े। अगर कोई खींचतानी होती है, ऐसी फुटोवल होता है, नेता आपस में लड़ते हैं तो उत्तराखंड राज्य की छवि खराब होती है, इसलिए होती है कि देखिए उत्तराखंड राज्य में फलानी पार्टी का ये हाल है, उत्तराखंड राज्य में एक दूसरे की जो है खींचातानी कर रहे हैं, सरेआम मंचों पर लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा कहना है कि कांग्रेस पार्टी का जो भी स्थिति है, आज वो 19 सीटें उनको मिली है, जनता ने उनको स्ट्राइक समझा है, भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें दी है, उसको जनता ने मैंडेट दिया है, इसको स्वीकार करते हुए अपने भीतर के अंदरूनी जो लड़ाई है झगड़े हैं उनको समाप्त करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आज फिर कांग्रेस उत्तराखंड राज्य में, मैं बता रहा हूँ आपको आने वाले समय बिल्कुल 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 वीरेन जी मुझे आपकी बातें सुनकर आज बड़ा अच्छा लगा। नरेंद्र जी आप समझ पा रहे होंगे वैसे ऐसा होता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन आज मेरे सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस आगे बढ़े और मजबूत हो। देखिए लोकतंत्र यही कहता है कि सत्ता पक्ष भी मजबूत हो और विपक्ष भी मजबूत हो, तभी अच्छे से लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा। इसी को लेकर हम जवाब ले रहे थे, हम यही चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति हो कि जब राजनीतिक मुद्दों पर एक दूसरे पर बात हो रही हो तो आप एक दूसरे पर वाद प्रतिरोप करिए, लेकिन पार्टीगत पार्टी के को लेकर अगर कोई बात हो रही है तो कम से कम ये सोचिए कि कमी कहाँ रह रही है आपकी पार्टी में। कांग्रेस पार्टी से तो लोग मानने को तैयार ही नहीं हो रहे कि समस्या कहाँ पर है। सेठी साहब आप कुछ कह रहे हैं? जी सेठी साहब आप अनम्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। मैं वीरेंद्र जी की बात पे ही कह रहा था। हाँ। मुझे लगता है वीरेंद्र जी आज पार्टी कार्यालय से ना होकर मुझे लगता है या तो कोई सत्संग अटेंड करके आ रहे हैं क्योंकि बड़ी सौम्यता से जवाब दे रहे हैं वो सारे और उनके उत्तर भी राज्य हित में नजर आ रहे हैं। मीनाक्षी तो खैर नॉर्मली रहती हैं, बिल्कुल कूल रहती हैं, वो ज्यादा उत्तेजित होकर नहीं बोलते किसी बात को, और हेमा जी तो उनका प्रबोधन रहता है जो उनका काफी ज्ञानवर्धक रहता है। तो आपने एक अच्छी चर्चा रखवाई है और मुझे उम्मीद है कि शायद कांग्रेस को सद्बुद्धि आएगी और कांग्रेस इस सद्बुद्धि के साथ आगे अपना भविष्य को अपने अपने संगठन को संवारने में वो एक अच्छा सशक्त भूमिका निभाएगी अपने विपक्ष के रूप में भी और आने वाले समय में जो उनके सपने हैं उनको भी वो साकार करने में सफल होगी। बिल्कुल बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि ऐसा ही हो। हेमा जी हम आपसे एक प्रतिक्रिया चाहते हैं, हेमा जी आपको क्या लगता है क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए इस बात को लेकर भी बातचीत हुई कि आखिर ये नेता जो पहले कांग्रेस में रहते हैं जब ये बीजेपी में जाते हैं तो जनता को पसंद आने लगते हैं, कांग्रेस में रहते हैं तो नहीं आते, ऐसा क्या है, क्या कमी क्या है पार्टी में इस तरह की, या फिर ये जनता तक अपनी बात ठीक से पहुंचा नहीं पा रहे हैं क्या इसी की वजह से, या अनुशासनहीनता? मुझे ऐसा लगता है अनुशासनहीनता भी कहीं ना कहीं है, इसी के चलते लोग बहुत ज्यादा मुखर होकर दबाव बनाने की पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश भी पार्टी पर करते हैं, आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए इनमें एकजुटता नहीं है और एकजुटता जब तक नहीं होगी तब तक इनकी स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। इनको एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है
और जैसा कि प्रशांत किशोर की बात चल रही है तो वो एक बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, लेकिन वो धरातल पे तो काम नहीं करेंगे, धरातल पे तो इनको ही काम करना पड़ेगा। इनके अगर इनके नेताओं में सड़क गुटबाजी रहेगी तो कैसे ये काम कर पाएंगे। तो इनको अपने कांग्रेस को यहाँ पर बचाने के लिए इनको एकजुटता की बहुत जरूरत है, और इनके केंद्रीय जो नेता है उनको यहाँ पर आना चाहिए और इनको समझाना चाहिए कि एकजुट होकर काम करें। एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है तो जनता इसलिए नहीं विश्वास कर पाई कि इनमें जब खुद ही एकजुटता नहीं है तो जनता का कहां से काम होगा, क्योंकि भीतर शुरू से ही इलेक्शन से पहले ही पता चल रहा था कि इनमें गुटबाजियां हैं, और जब ये आपसी गुटबाजी आपसी कलह को दूर नहीं कर पाए तो जनता का क्या भला करेंगे, इसलिए जनता विश्वास नहीं जता पाई। तो इनको अपने जो है आपसी कलह को दूर करना होगा बैठ के, और यही नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि उत्तराखंड से बिल्कुल साफ होती नजर आएगी कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए यही सारी बड़ी वजहें जिसके चलते कांग्रेस जो है वो हार कर सिमटती चली जा रही है, क्योंकि ये सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर समस्या कहां पर है। नए लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई है, सबसे बड़ी बात अगर सिर्फ कुछ लोगों के बीच में अगर ये आपसी विवाद होता तो उसको सुलटाने की कोशिश होती, लेकिन सुलटाने वाला भी कोई नजर नहीं आता है। क्यों नरेंद्र जी, क्या आपको भी लगता है कि मतलब कोई शीर्ष नेतृत्व है ही नहीं जो इन लोगों पर लगाम लगा सके, जो पार्टी के विपक्ष में पार्टी के हित की बात नहीं करते, जो ऐसी बातें करते हैं जो पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाती है सामाजिक तौर पर? नरेंद्र जी जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया। जी देखिए, मैं बताऊं आपको कि जिस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 67 सीटें आई थी तो उस समय आपको एक बयान याद होगा कि राहुल गांधी ने यह कहा था कि हमें आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बयान तत्काल बयान उन्होंने उसके चुनाव परिणामों के बाद दिया था कि हमें आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए कि हम कैसे जनता के साथ जुड़े और उनके साथ जुड़ाव बने हमारा। तो जब इनके शीर्ष नेता राष्ट्रीय नेता इस तरीके का बयान दे सकते हैं तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेताओं को भी, जो यहाँ के उत्तराखंड के नेता हैं उनको भी एक बड़ा दिल रखना चाहिए और ये देखना चाहिए उनको भी कि ऐसा क्या अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में, जिससे कि हम कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी को आगे नहीं लांग पा रहे हैं। और यहाँ मुझे लगता है जब ये समझ जाएंगे तो उस दिन उनकी समस्या का हल हो जाएगा। बिल्कुल, यानी आत्ममंथन की जरूरत है सोचने की, विचार करने की कि आखिर कमजोरी कहाँ है, हार पर हार का जिम्मेदार आखिर कौन है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिये, देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कि हार पर हार और जिम्मेदार कौन, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राज दर राज लगातार सिमटती जा रही है और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इस हार का जिम्मेदार कौन है। तो आज के इस चर्चा में बस इतना ही, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।